असद जमान साहब का सवाल जी लाहौर से पूछते हैं कि क्या किसी हदीस में दाढ़ी कम करने का जिक्र भी मिलता है या सिर्फ बढ़ाने ही का जिक्र है जी? जी दोनों चीज़ों का जिक्र है, बढ़ाने का भी है और फिर ये भी है कि एक ख़ास हद के बाद फिर एतदाल में लाने के लिए दाढ़ी काटने का भी सबूत मिलता है। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मरफू रिवायात भी है कि कान याखुज़ मिन लिहयतिही मिन तौलिहा व अर्ज़िहा, और सहाबा किराम का अमल भी इस हवाले से मौजूद है। अबू दाऊद में हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से है कि वो एक मुट्ठी से ज़ायद मकदार को हर तरफ से काट लेते थे। इस तरह मुसन्निफ़ इब्ने अबी शैबा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से भी ये सबूत मिलता है। तो सहाबा ने भी इस पर अमल किया है और हुजूर का अमल भी यही रहा है। तो सुन्नत तरीक़ा, कामिल सुन्नत यही है कि दाढ़ी को एक मुश्त से जो ज़ायद मकदार है उसको काट लिया जाए। ठीक है।